आज 13 दिसंबर, पिछले 24 घंटा में केवल कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का नंदपुर में एक ही जगह में रेनफॉल हुआ है 2.0 मिलीमीटर, बाकी सभी जगह में ड्राई व सूखा वेदर था। और मॉर्निंग आवर्स में आज कोस्टल ओडिशा का कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसा भद्रक, जगत सिंहपुर, कटक, खुर्दा, पुरी, इंटीरियर का ओंगोल में भी फॉग रिपोर्ट हुआ है। और मिनिमम टेम्परेचर जो है अभी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में मिनिमम टेम्परेचर स्वाभाविक से 2 से 5 डिग्री तक ज्यादा है। लोअर साइड मिनिमम टेम्परेचर था केउनझर में 13.4 डिग्री सेल्सियस, हमारा एग्नोमेट फील्ड यूनिट केरी में 11.5 डिग्री सेल्सियस, हमारा भुवनेश्वर सिटी में मिनिमम टेम्परेचर था 19.0 डिग्री सेल्सियस। और हमारा भुवनेश्वर सिटी में भी आज मॉर्निंग में फॉग रिपोर्ट हुआ है। अभी अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट हमारा है, नेक्स्ट 5 डेज मीन्स आज 13 से 17 तक सभी दिन ड्राई व सूखा वेदर रहने का चांसेस है। अगला 3 दिन में मीन्स हमारा 14th, 15th, 16th मॉर्निंग आवर्स में कुछ कुछ स्थानों पर शैलो टू मॉडरेट फॉग मॉर्निंग आवर्स में होने का चांसेस है। जैसा नेक्स्ट 24 आवर्स में कोस्टल ओडिशा का मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में ही, और कंधमाल, ओंगोल, धनकनाल, कालाहांडी, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड पॉकेट्स में शैलो टू मॉडरेट फॉग होने का चांसेस है। मिनिमम टेम्परेचर जो है अगला 2 दिन में मिनिमम टेम्परेचर में ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस होने का चांसेस कम है। 2 दिन का बाद मिनिमम टेम्परेचर ग्रेजुअली 3 टू 4 डिग्रीज तक कम होने का चांसेस है, मीन्स डिक्रीज फॉल करने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में कल मिनिमम टेम्परेचर 18-19 का आसपास ही रहने का चांसेस है। और सुबह मॉर्निंग आवर्स में शैलो टू मॉडरेट फॉग का भी चांसेस कल भी है। ओके।